to breathe, but that's alright. कोई बात नहीं करना है, प्लीज गेट आउट। और ये सारी चीजें नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तुम हमें बोल रहे हो? हाँ, ये क्लब हमारा है, हम यहाँ जो चाहे वो करें, तुम्हें उससे क्या? और तुम्हें अगर ये सब नहीं चाहिए तो यहाँ से निकल जाओ। तुम होती कौन हो मुझे निकालने वाली? गार्ड्स। क्या हुआ डार्लिंग, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? देखिए ना, ये बास्टर्ड मुझसे कैसे बात कर रहा है। ओह, तो तुम यहाँ पर छुप के बैठे थे। शुगा, सारे लोगों को मार डालो। नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गया, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गया, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, और प्लीज हमें छोड़ दीजिए। डार्लिंग, तुम इसके पैर क्यों पड़ रहे हो? ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था। चुप करो रोजी। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी भी आपसे गद्दारी करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज हमें मत मारिए। क्या वो मतलब जिनसे आप डर के भाग रहे थे वो? तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, मैं वही हूँ। शुगा, मार डालो। मैंने सारे लोगों को मार दिया है, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। ये है किमते, इसकी मॉम डैड की डेथ हो गई थी जब ये छोटी थी, और ये सड़क के किनारे पे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी लिसा के ग्रैंडफादर उसे उठाकर लाए थे और अपने घर में अपनी बेटी की तरह रख रहे थे। पर लिसा के ग्रैंडफादर के डेथ होने के बाद से ते उनके घर में एक नौकर और लिसा की बॉडीगार्ड बन गई है। ते, तुम सच में एक बहुत अच्छी फाइटर हो और एक वफादार डॉगी भी हो। आई एम इम्प्रेस्ड। लिसा, माफिया किंग ने बोला है वो तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हें उनका पर्सनल असिस्टेंट भी बनाना चाहते हैं। हाँ, मुझे उनकी तरफ से मेल आ गया था, उनसे मिलने से पहले मुझे कुछ और करना है। चलो मेरे साथ जेनी, और तुम मुझे अच्छे से प्रोटेक्ट करना। हाँ लिसा, डोंट वरी। माफिया किंग, वो तो बहुत बड़े माफिया फैमिली से हैं। उनके एक वार्ड से ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तबाही आ जाता है। वो लिसा से क्यों मिलना चाहते हैं? और वो लिसा को अपना पर्सनल असिस्टेंट पर क्यों? और उनको तो अभी तक सिर्फ कुछ ही लोग देख पाए हैं। छोड़ो, मुझे उससे क्या। लिसा बेबी, तुम आ गई, मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। आज हमारी वन ईयर मैरिज एनिवर्सरी है ना, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। यू दूर रहो मुझसे, मैं तुम जैसे गजर के कीड़ों के पास नहीं जाती। और मैं तुम्हें यहाँ कुछ देने आई थी, लो साइन कर देना इसमें। पर बेबी, ये क्या है? ये डिवोर्स फाइल है, साइन कर देना। क्या डिवोर्स? पर क्यों, क्या हो गया लिसा? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है और हमारे बीच कभी फाइट भी नहीं होता है। यू नो ना, आई लव यू बेबी, प्लीज मुझे छोड़ के मत
जाओ। You fucking bastard, मुझसे दूर रहो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं अभी इस वर्ल्ड की सबसे बड़े माफिया किंग की पर्सनल असिस्टेंट बनने वाली हूँ और लक में हुआ तो मैं उनसे शादी भी करने वाली हूँ। क्या तुम उस माफिया किंग के वजह से मुझे छोड़ रही हो लिसा? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है और मैं तुम्हें कितना ज्यादा प्यार करता हूँ तुम्हें पता है ना? मैं तुम्हें कितना रिस्पेक्ट करता हूँ और तुम मुझे डाइवर्स क्यों देना चाहती हो? हाँ, क्योंकि वो मेरा बचपना था, वही तो मेरी रिग्रेट है जो मैंने तुमसे शादी कर लिया। तुम्हारे इस हैंडसम फेस को देखकर तुम किसी काम की नहीं हो। लिसा, तुम ये क्या बोल रही हो? जेके हमेशा तुमसे प्यार करता रहा है और तुम तो हमेशा उसे इग्नोर कर रही थी और अभी तुम ऐसे बोल रही हो। तुम सिर्फ मामूली एक बॉडीगार्ड हो और तुम लिसा के ऊपर बात कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत है? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी तो आदत बन गई है। डोंट वरी जेके। लिसा, तुम्हें हो क्या गया है? पिछले 7 मंथ से तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो और अभी तुम डे के साथ ये कैसे बिहेवियर कर रही हो? वो तुम्हारी बहन भी है। वो मेरी बहन नहीं है, वो मेरी बॉडीगार्ड है और उसे मेरी ग्रैंडपा ने सड़क से उठा कर लाया था। मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। और तुम सुन लो जेके, इसमें जल्दी साइन कर देना। लिसा प्लीज, तुम जेके को डिवोर्स मत दो, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। लाइफ में कभी ना कभी एक प्यार करने वाला चाहिए होता है। हाँ, भले ही उसके पास पैसे नहीं है पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारे पास तो पैसे है ना, तुम कुछ भी कर सकती हो। प्लीज उसे डिवोर्स मत दो। दे, अब तुम मुझे एडवाइस दोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, अब से तुम मेरी बॉडीगार्ड नहीं हो, ओके? और घर भी मत आना, तुम हमारी फैमिली से भी नहीं हो और मैंने आज तक तुम्हारी जैसी सेल्फिश इंसान नहीं देखा। तुम हमारी घर का नमक खाकर इसकी गुणगान कर रही हो, हाँ इसकी साइड ले रही हो। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। और वो मिस्टर, जल्दी से इस डिवोर्स फाइल में साइन कर देना। लिसा प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं बस तुम्हें जो सही है वो बोल रही हूँ। सच में जेके तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैंने देखा है उसे तुमसे प्यार करते हुए, उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, प्लीज समझने की कोशिश करो। hey, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और ये लो तुम्हारा पेंडेंट जो तुमने मुझे बचपन में फ्रेंडशिप के तौर में दिया था, मुझे नहीं चाहिए ये घटिया पेंडेंट, लो रखो तुम। लिसा प्लीज, ये पेंडेंट, लिसा ये पेंडेंट तुम्हारी नहीं है। इस तरह की चीप चीजें मेरी नहीं है, ये तेगी है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें थोड़ी सी फ्रेंड तो मानती थी पर अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं मानती हूँ, मेरे आगे मत आना, ओके? लिसा लिसा सुनो प्लीज। लिसा, क्या सच में ये पेंडेंट तुम्हारी है थे? हाँ, ऐसा ही 2 कौड़ी का सस्ता सा चीज तो सिर्फ यही लड़की दे सकती है। दी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो, क्या ये तुम्हारी पेंडेंट है? हाँ, ये मेरी है, मैंने लिसा को बचपन में फ्रेंडशिप गिफ्ट के तौर में दिया था। मेरे पास पैसे नहीं थे इसीलिए मैं कुछ भी एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीद सकती थी। दी, क्या तुम्हें कुछ याद है? मैं तुम्हारा बनी हूँ। बनी? जेके, तुम मेरी बनी? तुम बनी कैसे हो? और बनी वार्ड तो मैं सिर्फ उसके लिए यूज करती थी, तुम्हें कैसे पता? माय गॉड, तुम सच में बनी हो? हाँ ते, मैं ही हूँ तुम्हारा बनी। ये देखो, इस पेंडेंट का हाफ तो मेरे पास है ना, देखो ते। ओह बनी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी तुम्हें ढूंढ भी पाऊंगी। मैंने तो होप ही छोड़ दिया था कि मैं तुम्हें ढूंढ पाऊंगी। बनी, जब जंगो बहुत ही ज्यादा छोटा था तब वो किसी से बात नहीं कर पाता था, बहुत ज्यादा साय था और उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था। तभी ते ही आगे बढ़कर आई थी और जंगुक का साथ लेकर उसके साथ फ्रेंडशिप किया था। जंगुक और ते, ये दोनों किंडरगार्टन पर एक साथ पढ़ाई कर रहे थे और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। ते हमेशा जंगुक का ख्याल रखती थी और उसे एक बेबी की तरह पालती थी। हे, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसे बुली करने के लिए? मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। बनी, तुम ठीक हो ना?
मैं हूँ ना टोनफाई, मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूँगी। थैंक यू बियर। ये लो अपने गले में डाल दो, ये मेरी तरफ से फ्रेंडशिप गिफ्ट है। ये अगर कोई देखेगा ना वो तुमसे दूर रहेगा, तुम सिर्फ मेरी फ्रेंड हो। और जब हम बड़े हो जाएंगे ना तब मैं तुमसे शादी करूँगी। हाँ मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुमसे शादी करूँगा। दो गरीब लवर्स मिल गए। जेके अब तो तुम्हें तुम्हारा लवर मिल गया है ना, तो अब जल्दी से इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। लिसा क्या सच में तुम मुझसे थोड़ा सा भी प्यार नहीं करती थी? नहीं, मुझे बस मेरा घर संभालने के लिए एक डॉग चाहिए था, पर उसका केयर करना पड़ता ना, उस वजह से मुझे तुम बेटर चॉइस लगे। लिसा तुम ये कैसे बिहेव कर रही हो जेके के साथ, अपने वर्ड पर कंट्रोल करो। तुम्हें क्यों चुभ रही है ते? ये ते प्यार जो करती है इस फटीचर से। नहीं जेके भी मेरा फ्रेंड है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? ते कूल डाउन। और तुम लिसा, लो साइन कर दिया मैंने। और लिसा तुम्हारी इस डिसीजन के वजह से तुम बहुत रिग्रेट करोगी। यही तो है डिफरेंस तुम्हारे और मेरे बीच में। मैं कभी भी अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करती। जब मैं माफिया किंग का वाइफ बन जाऊंगी ना तब तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। I'm so sorry ते, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे लगा कि लिसा ही तुम हो क्योंकि उसके पास वो पेंडेंट था। I'm so sorry ते, इसीलिए मैं जल्दबाजी में उससे शादी कर लिया। It's okay जेके, उस पेंडेंट से क्या फर्क पड़ता है, तुम अभी तो लिसा से प्यार करती हो ना। नहीं ते, बचपन से अभी तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहा और इस पेंडेंट की वजह से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। प्लीज ते मुझे माफ कर दो, मैं लिसा से प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। ओके जेके तुम इतना पैनिक मत करो। ते प्लीज मुझे बनी बुलाओ ना। ओके बनी, पर मैं अपनी बहन की हस्बैंड के साथ। होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं। इतना मत बोलो, बस मुझे इतना बोलो कि तुम अपने बनी से प्यार नहीं करती। हाँ बनी, मैं बचपन से ही तुम से ही प्यार करती हूँ, पर मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश किया पर तुम मुझे मिले ही नहीं। और अभी हम कैसे प्यार कर सकते हैं, तुम मेरी बहन के हस्बैंड हो। नहीं ते, मैं अब उसका हस्बैंड नहीं हूँ, हमारा डिवोर्स हो गया है। ते मैं कब से वेट कर रहा था इस टाइम के लिए, कब मैं तुमसे मिलूं और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, तुम्हें गले लगाऊं, तुम्हें भर भर के प्यार करूं। मुझे अंदर से लग ही रहा था कि लिसा वो लड़की नहीं है जिससे मैं प्यार करता था। I really miss you ते, I really miss you, I miss you too बनी। ते can I kiss you? नहीं बनी, हमें अभी ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, मुझसे और रुका नहीं जा रहा है ते। I really love you ते, मुझे मत रोको। जिस तरह तू कोई हो नदी, तू मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूँ। पी लूं तेरे नीले नीले नैनों से शबनम, पी लूं तेरी सौंधी सौंधी। किसी से किस नहीं किया, पर मूवीज देखकर मुझे पता है कि कैसे करते हैं। I will teach you. रुको बनी, तुम्हारा कॉल आ रहा है। ओह ये शुगा भी ना, क्या अभी तुमने शुगा बोला? ये तो माफिया किंग का राइट हैंड है ना? नहीं नहीं, वो शुगर डॉक्टर का कॉल आ रहा है। मेरा शुगर थोड़ा लो है ना, पर अब नहीं रहेगा। मुझे मेरी स्वीट हार्ट जो मिल गई है, अब तो मेरा शुगर लेवल हमेशा हाई रहेगा। बनी ऐसे बात क्यों कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। ओके स्वीट हार्ट, रुको मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हेलो,
क्या हुआ शुगा? सर, मैंने लीसा मैम के लिए सारा कुछ पेपर रेडी कर दिया है, क्या मैं खुद जाके उन्हें दे दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सारे पेपर्स जला दो, हमारा डिवोर्स हो गया है। क्या डिवोर्स? पर क्यों, क्या हो गया सर? यार शुगा, तुम कितना क्वेश्चन कर रहे हो, हम बाद में बात करते हैं, मैं बिजी हूँ। तो अब मैं क्या करूँ सर? डॉक्टर क्या बोल रहे हैं बनी? ये लड़की कौन है सर? डॉक्टर बोल रहे हैं मुझे अच्छे से टेक केयर की जरूरत है ना डॉक्टर? हाँ हाँ मैम, सर को टेक केयर करने की जरूरत है और मेरे से लेने की जरूरत नहीं है। ओह थैंक यू सो मच डॉक्टर, डोंट वरी, मैं उनकी अच्छे से ध्यान रखूंगी। ओके थैंक यू सो मच मैम। यार अब ये न्यू लड़की कौन है? क्या सर लीसा मैम को छोड़कर किसी और लड़की के साथ है, इसीलिए उनका डिवोर्स हो गया? बिल्लू जी सुनिए ना, क्या हुआ जिमिना? मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम पटाखा जैसी लग रही हूँ। तो क्या तुम आज मुझे फोड़ना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हें तो मैं। यार ये क्यों कॉल कर रहे हैं? छोड़ो, अभी बीबी पर फोकस करता हूँ। उस फोन को छोड़ो ना, इतने दूर क्यों हो, पास आओ ना बिल्लू। हाँ बेबी अभी आता हूँ। सॉरी बेबी, सर बार बार कॉल कर रहे हैं, 2 मिनट में आता हूँ। ओहो फिर से इनका बॉस हमारे रोमांस के अंदर घुस गया, ये जब अपने बीबी के पास जाएगा ना तब उसका बीबी भाग जाए। हाँ खड़ूस इंसान कहीं का। सुनो सुगा, एक अच्छा सा कार और डायमंड रिंग और एक अच्छा सा स्टाइल डिजाइनर नेकलेस तैयार रखो। ओके सर डोंट वरी, हो जाएगा। फिर सुगा के जेके के लिए कार नेकलेस और रिंग ढूंढने लगता है। आप क्या कर रहे हो उस फोन में? आपके सामने इतनी हसीन बीबी है और आप फोन में घुसे हुए हो, मुझ पर भी थोड़ा ध्यान दे दो बिल्लू। सुनो ना। सॉरी बेबी, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मुझे बॉस के लिए कार रिंग और नेकलेस ढूंढना है, प्लीज हम बाद में करते हैं, आई एम सो सॉरी। ओके तुमसे कुछ नहीं होता है, मूड का सत्यानाश कर दिया, गुड नाइट, मैं चली सोने, और हाँ याद करके लाइट ऑफ कर देना। सॉरी ना बेबी, गुस्सा क्यों कर रही हो? आई लव यू ना जिमिना, प्लीज अभी प्लीज गुस्सा मत करो, अभी काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, आई लव यू टू, सो जाना जल्दी नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। कैसा बॉस है, रात को भी काम दे देता है, उसे भी नींद नहीं आती और हमें भी चैन से सोने नहीं देता। छोड़ो क्या ही कर सकते हैं, अच्छा खासा सैलरी जो दे रहा है। तुम वो भी मुझे करने नहीं दे रही हो। हाँ माय लिटिल क्यूट बनी,
तुम्हें जो अच्छा लगता है करो, पर आगे से मैं खाना बनाऊंगी, ओके? और बचपन में कैसे मैं तुम्हें अपना बेबी बोलती थी, और अभी भी तुम मेरा बेबी हो, ओके? मैं तो हमेशा तुम्हारा बेबी रहना चाहता हूँ। जब भी किस करता हूँ मुझे स्वीटनेस फील होता है। रुको ना बनी, प्लीज रुको, मुझे ब्रश करने दो, रुको। सर सब कुछ रेडी है और लिसा मैम आपसे मिलने आई है। हाँ उसे अंदर भेज दो। हेलो मिस्टर चियान जंगकुक, मुझे खुशी हुई आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाने के बारे में सोचा। मोस्ट वेलकम। इनका वॉइस कहीं पर सुना सुना सा क्यों लग रहा है? छोड़ो, ये माफिया किंग है, कहीं पर मैंने सुना होगा, छोड़ो। सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ फेस टू फेस बात कर सकती हूँ? नहीं सॉरी सर, किसी के साथ फेस टू फेस बात नहीं करते। मिस्टर चियान जंगकुक, अगर आप चाहे तो हम नाइट आउट पे या फिर डेट पे जा सकते हैं। क्या नाइट आउट डेट? छी कितनी गंदी लड़की है। मैंने सुना है कि आप शादीशुदा हैं। मैं आपके साथ नाइट आउट पे जाऊंगा तो आपके पति को बुरा नहीं लगेगा क्या? आप उसके बातों को छोड़िए ना, वो एक कमीना और बास्टर्ड है। हमारा डिवोर्स हो गया है, वो किसी और के साथ है। क्या अब आप अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे हस्बैंड बनने का लायक ही नहीं था, और हम दोनों ऐसे थे कि जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। तो तुम अपने हस्बैंड से पहले भी प्यार नहीं करती थी? जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे वो तब से मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया था, और मैंने भी सोचा कि मुझे शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे भी मेरा टेक केयर करने के लिए और घर का रखवाला भी चाहिए ना, इसीलिए हमने शादी कर लिया था। पर अभी नहीं, मैं और नहीं झेल सकता था, इसीलिए हमने डिवोर्स ले लिया। तो मिस लिसा, क्या आप मुझे प्यार करती हो? हाँ मिस्टर चियान जंगकुक, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मिस्टर चियान, आप तो मेरी आइडियल है। ओके अब आप जा सकती है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। छी सर कितनी गंदी और घटिया लड़की है, आप इससे कैसे प्यार कर सकते हैं? अभी अभी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे के आई है और इसे इतना सा भी शर्म नहीं है, और यहाँ आके एक दूसरे मर्द को सीड्यूस कर रही है। हाँ पर लिसा वो लड़की नहीं है जिससे मैं बचपन से प्यार करता था। तो क्या वो रात वाली लड़की है? हाँ वही है, मेरी चाइल्डहुड लव। हाँ उनकी बातों से लग ही रहा था वो बहुत अच्छी लड़की है। क्या आप उन्हें प्रपोज करने वाले हो? वेट करो सुगा, और सरप्राइज को सरप्राइज रहने दो। बनी तुम्हारे पास इतने सारे पैसे और कार कहाँ से आए, और हम कहाँ जा रहे हैं? अगर तुम ये सब कुछ भाड़े पे लेकर मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो तो प्लीज ये सब मत करो। इससे लगता है मैं इसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ भाड़े पे लिया है। ओह माय गॉड, अगर इसे पता चलेगा कि ये सब कुछ रियल है और मेरा है तब तो ये पागल हो जाएगी। बनी तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? देखो मैं तुमसे ऑलरेडी इम्प्रेस्ड हूँ, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरे लिए इतना लॉयल हो, मेरा इतना ज्यादा केयर करते हो, मैं इन सारी चीजों से इम्प्रेस्ड हूँ ना, और ये पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये सब हमारे फ्यूचर में काम आएगा। दी तुमने अभी क्या बोला? हमारे फ्यूचर में मतलब तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, तुम्हें घर खरीदना है और एक फैमिली बसाना है, बहुत कुछ करना है। और डोंट वरी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। आई लव यू माई क्यूट लिटिल बनी, माई बेबी। आई लव यू टू दे, आई लव यू टू दे। बट डोंट वरी, ये सब किराया का नहीं है, ये सब मेरे बॉस ने मुझे दिया है।
ओह तब तो ठीक है, तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे हैं, उन्हें मेरी तरफ से थैंक यू कह देना। तुम्हें पता है बनी, जब तुम मुझे छोड़ के गए थे मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस करती थी, तुम्हें एक पल के लिए देखने के लिए तरस जाती थी, पर तुम मुझे मिले ही नहीं। I'm so sorry ते, मैं इतने दिनों से तुमसे दूर रहा। I'm so sorry, मुझे माफ कर दो। तुम अपनी लिटिल बनी को माफ नहीं करोगी? हाँ बाबा हाँ, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझे याद करते होगे या नहीं, या फिर तुम किसी और से प्यार कर रहे होगे अभी, पर थैंक गॉड तुम मुझसे ही प्यार करते हो। हाँ मैं तुमसे प्यार करता था और अभी कर रहा हूँ, और आगे भी ऐसे करता रहूंगा। I love you my sweetheart, I love you my dear, my cutie pie, I love you too my little bunny। लीसा तुम उनकी असिस्टेंट बन जाओगी ना, तो सारे माफिया फैमिलीज ना तुमसे डरेंगे, और अगर तुम खुद को एज ए गिफ्ट उनको प्रेजेंट कर दोगी ना, और वो शायद तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस्ड हो जाए और तुमसे प्यार करने लगे और तुमसे शादी कर ले, तो और भी अच्छा है। हाँ जेनी तुम सही बोल रही हो, ऐसा हो जाएगा तो सब मुझसे डरेंगे और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगी। हाँ मैं रिच तो हूँ, पर जन जंगको की तरह रिच नहीं हूँ, वो तो हमसे 10 गुना ज्यादा रिच है। मैं तो सारे माफिया वर्ल्ड की क्वीन बन जाऊंगी। हेलो लीसा कैसी हो तुम? ओह हेलो यंगजुन, मैं तो मस्त हूँ, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ मैं तो मस्त हूँ। बाय द वे आज माफिया किंग कुछ स्पेशल अनाउंस करने वाले हैं, सारे बड़े बड़े माफिया फैमिलीज को यहाँ बुलाया है। हम लोग माफिया तो है पर उनके जैसे नहीं है, उनका आज तक फेस किसी ने भी नहीं देखा है, मैं तो उनको देखना चाहता हूँ। डोंट वरी यंगजुन, जब मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट बन जाऊंगी ना, तब मैं तुम्हें उनसे फेस टू फेस मिला दूंगी। ओह तो तुम बनने वाली हो उनकी पर्सनल असिस्टेंट, वाओ कंग्रेचुलेशन लीसा, ये तो बहुत बड़ी बात है। होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं। मैडम हम पहुंच गए हैं, चलो अंदर। ये तो माफिया किंग जन जंगकुक का पैलेस है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हरी ते तुम कितना सवाल करती हो, तुम अंदर तो चलो, तुम्हें पता चल जाएगा, और वही तो है मेरा बॉस, उन्होंने हमें इनवाइट किया है। ओके, पर तुम कहाँ जा रहे हो? वो मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, तुम अंदर जाओ। टच करने में जो मजा है,
वो किसी और लड़की से नहीं मिलेगा। क्या तुम चलोगी मेरे साथ वन नाइट स्टैंड पे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मार रही हो? हाँ, तुम्हें पता है ना मैं कितने बड़े माफिया फैमिली से हूँ। चलो ते, अब निकलो यहाँ से। फिर जेनी ते को पोस्ट कर देती है और ते गिर जाती है और उसको चोट लग जाती है। छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। लीसा, जेनी, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ते को हाथ लगाने के लिए? जेके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर कैसे और क्या कर रहा हूँ ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि तुमने ते को हर्ट कैसे किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? बनी, रुको, इनके साथ आगे मत बढ़ो। ये सब बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। चलो यहाँ से। ते, इन लोगों ने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हें इंसल्ट किया है, तुम्हें बुली किया है। मैं इन लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इनकी हालत ऐसे करूँगा, तुम बस देखती जाओ। माय लिटिल पुअर एक्स हस्बैंड, तुम जैसे ब्लडी बास्टर्ड पीपल्स हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? बोलो। लीसा, इन लोगों के मुंह मत लगो, ये कुत्ते सिर्फ भौंक सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ओह, तो तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, बाद में रिग्रेट मत करना। और तुम यमजुन, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ते को वन नाइट के लिए पूछने के लिए? हाँ, अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें पता है मैं कितने बड़े माफिया फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और तुम ते, तुम अपनी जवानी को इस कुत्ते के साथ क्यों बिता रही हो? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार दूंगा। प्यार तो नहीं दे सकता, पैसे जरूर दे सकता हूँ। चलो नाइट स्पेंड। बनी, तुमने ये क्या किया? अब ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। चलो यहाँ से। ये यूजन बहुत बड़ी माफिया फैमिली से आता है, तुमने ये क्या कर दिया? डोंट वरी ते, इनमें से कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं सबको अब सबक सिखाऊंगा। जेके, तुम यूजन को कैसे मार सकते हो? तुम्हें पता है वो कितने बड़े माफिया फैमिली से है? तुम कौन हो? तुम इस पार्टी में क्या कर रहे हो? लीसा, मैंने बोला था ना तुम बाद में बहुत रिग्रेट करोगी। बनी, तुम ये क्या कर रहे हो? सुनो, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। डोंट वरी, तुम यहाँ से चले जाओ, जल्दी से चले जाओ यहाँ से। ती, डोंट वरी स्वीट हार्ट, ये लोग मेरा एक बाल भी नहीं छू सकते। बॉडीगार्ड्स, इसे मार डालो। फिर जंगकुक फाइट करने लगता है और ते भी उनसे फाइट करने लगती है। बॉडीगार्ड्स तो किसी काम के नहीं है, ये लो पैसे, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना। जेके, तुम हो कौन और तुम्हें फाइट कैसे आता है और तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? क्योंकि मैं ही हूँ माफिया किंग जॉन जंगकुक। क्या, माफिया किंग? क्या बकवास कर रहे हो जेके? तुम कैसे माफिया किंग हो सकते हो? तुम वन ईयर तक मेरे घर पे नौकरों के जैसे रह रहे थे और तुम अभी आके बोलोगे कि तुम माफिया किंग हो और मैं मान जाऊंगी? हाँ, क्या बकवास है। बहनी, तुम यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हो? चलो यहाँ से, अगर माफिया किंग को पता चल गया ना तो वो तुम्हें मार डालेंगे और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती फिर से। प्लीज चलो यहाँ से बनी, प्लीज चलो। रुको ते, हेलो सुगा, जो भी मैंने बनाया था ते के लिए वो सब कुछ अंदर लेके आ जाओ। जेके, हम वन ईयर तक रिलेशनशिप में थे, नहीं हम मैरिड थे, फिर भी तुमने मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया है और इसके लिए कुछ स्पेशल बनाया है और वो भी माफिया किंग के राइट हैंड सुगा से मंगा रहे
वाओ, कितना ज्यादा फेकू हो तुम। लीसा, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसीलिए तुम बकवास किए जा रही हो। जब तक तुम मुझे बोल रही थी तब तक ठीक है, पर अब तुम बनी को बोल रही हो और मैं वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। ओ, तो तुम क्या करोगी? सर, ये लीजिए, आपका गिफ्ट तैयार है। क्या क्या सच में बनी माफिया किंग है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठे हो, तुम माफिया किंग नहीं हो। हाँ, तुम माफिया किंग नहीं हो सकते। ये शुगा तुम्हें लाकर पैसे देकर यहाँ पर हम सबको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि हमने माफिया किंग का फेस जो नहीं देखा है। मिस जेनी, अपना मुंह बंद रखोगी तो ही अच्छा है। तुम्हें पता है तुम किसके सामने बात कर रही हो? हाँ, तो क्या प्रूफ है? ये माफिया किंग जॉन जंगकुक है। अगर तुम नहीं हो तो इन्हें झूठ क्यों बोल रहे हो? देखो, अगर माफिया किंग को पता चलेगा ना, वो तुम्हें मार देंगे। और तुम तो बोल रहे थे कि जॉन जंगकुक तुम्हारे बॉस है। वो तो मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसीलिए बोल दिया। मेरे बेटे को आप लोग प्रूफ मांग रहे हो? हाँ, उसका प्रूफ हम दोनों है। हाँ, यही है, हमारा बड़ा बेटा माफिया किंग जॉन जंगकुक। मिस्टर नामचुन, मिस चीन, क्या ये आपका बेटा है? ये तो सच में माफिया किंग जॉन जंगकुक है। हाँ, ये हमारा ही बेटा है। और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ बदतमीजी करने की? जीनो बेबी, तुम शांत रहो, मैं सब कुछ देख लूंगा। तुम्हारी बीपी हाई रहता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। हाँ हाँ बेबी, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। क्या अब आप लोगों को प्रूफ मिल गया? जिन जिन लोगों ने मेरे बेटे को इंसल्ट किया है उन सबको मैं बर्बाद कर दूंगा। हम लोग जब मैरिड थे तब तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते थे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे? लीसा, सोचो जरा, मैं तुम्हें कितनी बार सच बोलने की कोशिश किया है, पर तुम मुझसे बात ही नहीं करती थी। और रहा प्यार के बारे में, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ तेरे ही प्यार करता था। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हो गया, और मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो इस तेरे को भी मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगी। मैं इस तेरे को मार डालूंगी। लीसा, तेरे को छोड़ो। देखो, मैं अब से तुम्हें बोल रहा हूँ, तेरे को छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। हाँ, तुम कहीं क्या सकते हो, मुझे मार डालोगे? मार के दिखाओ, अगर मैं मरूंगी तो ते को भी लेके मरूंगी। फिर सुगा जाके लीसा को पीछे से पकड़ लेता है तो ते फ्री हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ते को मारने की? और तुम जेनी, तुमने मेरे ते को कितनी बार हाथ उठाया है? तुम दोनों को तो मैं नहीं नहीं बनी, प्लीज इन दोनों को छोड़ दो। ते, इन दोनों के आगे से हट जाओ, मैं इन दोनों को मार डालूंगा। इन्होंने तुम्हें कितना ज्यादा बुली किया है, तुम्हें कितना ज्यादा हर्ट किया है। नहीं बनी, प्लीज मेरे लिए इन दोनों को छोड़ दो। वो भले ही मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, पर बचपन में वो दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थे, और लीसा तो मेरी सिस्टर थी। मैं नहीं सह सकती कि मेरी सिस्टर मर जाए, मैं नहीं चाहती। प्लीज, ते बोल रही है इसीलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। शुगा, इन दोनों को ले जाओ। ओके सर। ते, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं पर लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ये लो ते, ये नेकलेस और कार तुम्हारी है। नहीं बनी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ते, इसे पैसों से कंपेयर मत करो, ये मैं प्यार से दे रहा हूँ, प्लीज रख लो। हाँ हाँ, रख लो बेटा, ये सब सिर्फ तुम्हारा थोड़ी ही है, ये जंगकुक का भी तो है। ते, तुम बचपन से ही मेरा ख्याल रखती आ रही हो और अभी भी रख रही हो, और तुम मुझे कितना ज्यादा प्यार करती हो, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ते, ते, I really love you, my sweetheart। अब
Will you marry me? मैं चाहता हूँ कि हमारा चाइल्डहुड लव सक्सेसफुल हो, हम शादी करें। क्या तुम मुझसे शादी करोगी दे? ओह बनी, I love you too. Yes, I do. मैं तुमसे शादी करूँगी। तुम पर मरती हूँ, मैं सच कहती हूँ, मांग के देख लो मुझसे जान। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। ते बेटा, मेरा बेटा थोड़ा नॉटी है, तुम उसे अच्छे से संभालना। हाँ अंकल, डोंट वरी। देखो ते, मैं अपना बेटा तुम्हें सौंप रही हूँ, और जब मैं घर आऊँ ना, तब इसका 2 किलो वजन ज्यादा बढ़ना चाहिए। हाँ आंटी जी, डोंट वरी, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, और वो है कि अब से मेरा बड़ा बेटा जियोन जांगकुक माफिया वॉल्ड नहीं संभालेगा। क्या क्या क्यों क्यों कौन होगा नेक्स्ट? अब से मेरा छोटा बेटा जे होप माफिया वॉल्ड संभालेगा। हेलो एवरीवन एंड हेलो भाभी भैया, हेलो जे होप। हेलो जे होप जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ भाभी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप बहुत प्यारी हो। जे होप, थोड़ा दूर से बात करो ते से। ब्रो डोंट वरी, ते सॉरी, भाभी सिर्फ आपकी है, अगर भाभी चाहे तो। जे होप, अपनी बुरी नजर मत लगाओ मेरी ते पर, ते सिर्फ मेरी है। ये बच्चे कभी नहीं सुधरेंगे। ओके, तो हम शादी की डेट डिसाइड करके अनाउंस कर देंगे। थैंक यू आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। हाँ, थैंक यू सो मच। शुगा, क्या हुआ जिमिना? मेरी तरफ देखो ना। मुझे सोना है। चलो ना सुगा, मैं तुम्हें रिचार्ज कर दूंगी। जिमी ना, हम बाद में करते हैं ना, बॉस के काम के वजह से मैं बहुत थक गया हूँ। ओके, जाके अपने बॉस के पास रह जाना, मेरे पास मत आना। शादी के 2 साल हो चुके हैं, हमारा अभी तक एक बेबी नहीं हुआ है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो कुछ सुनना नहीं पड़ता है, लोग तो मुझे सुनाते हैं ना। तुम अपने पति को अट्रैक्ट नहीं कर पाती हो, या फिर तुम माँ बनने के लायक ही नहीं हो, ये सब तो मुझे सुनना पड़ता है ना। उन्हें क्या पता मेरे पति उसके बॉस के साथ दिन रात रहता है। अपने बॉस के साथ बेबी कर देना, ओके? मेरे पास मत आना। गुड नाइट। ओह मेरी क्यूट जिमिना, गुस्सा हो गई। तुम जब गुस्सा करती हो ना, बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू, छोड़ो मुझे। जिमिना, मैं बस मजाक कर रहा था, आज कुछ भी काम नहीं था, आज बहुत लाइट काम था और मैं बहुत ही ज्यादा मूड में हूँ। छोड़ो मुझे, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। फिर सुगा जिमिना को बेड पे ले जाता है। नहीं जिमिना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू जिमिना। आई लव यू टू बिलू। तुम्हारी ये पुचके पुचके गाल ना कितने क्यूट है, एक कपकेक की तरह लग रहा है, मन तो कर रहा है इसे खा जाऊं। मैं तो कब से वेट कर रही हूं, तुम मुझे खा जाओ। ओके जिमिना बेबी, मैं नहा के आने के बाद ये डिलीशियस कपकेक को ट्राई करूंगा। ओके, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूं। हेलो ते, तो इतने दिनों के बाद कॉल कर रही है, तो ठीक तो है ना? हाँ जिमिना, मैं ठीक हूँ। वो मेरी शादी फिक्स हो गई है। क्या, तेरी शादी फिक्स हो गई है? कब, किसके साथ, क्यों, मतलब कैसे? कौन है वो लड़का? जिमिना, इतने सारे सवाल एक साथ। ओके, उनका ना कंपनी है,
मैं तो उसे गुस्सा हूँ। I'm sorry ना जिमिना, मैं क्या करती, तुझे तो पता है ना लिसा मुझे कहीं जाने नहीं दे रही थी। क्या अब तू उस चुड़ैल के साथ नहीं रहती है? नहीं, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं उसके साथ नहीं रहती, अब मैं मेरे होने वाले हवी के साथ रहती हूँ। हवी सवी, थैंक गॉड तू उस चुड़ैल से बच गई यार। अरे देख कितनी देर बात करोगी, आओ ना यहाँ पर। हाँ बाबा आ रही हूँ। ओके सुन, वो मुझे बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ, और जीजू को लेके आना जरूर, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, मेरी शादी में आना जरूर। ओके हाँ मैं जरूर आऊंगी, डोंट वरी। किसका कॉल था जिमिना? वो मेरी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी शादी फिक्स हो गई है ना? अरे हाँ, शादी से याद आया कि हमारे बॉस का भी शादी फिक्स हो गया है। पर वो तो शादीशुदा थे ना? हाँ, पर उस लड़की से उनका डिवोर्स हो गया, वो बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था इसीलिए, और अभी वो अपने चाइल्डहुड लवर से शादी करने वाले हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, उनको अपना लवर मिल गया। सेम यार, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी अपने चाइल्डहुड लवर से शादी कर रही है। क्या सच में? ये कुछ ज्यादा ही सिमिलैरिटीज नहीं हो गया? और बताए मुझे ना, अभी तुम्हारे लिए बहुत सारा टाइम मिल गया है, क्योंकि हमारे बॉस माफिया लाइन छोड़ रहे हैं। क्या वो खड़ूस गुस्सैल इंसान माफिया लाइन छोड़ रहा है? ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं, शायद उनकी लवर को पसंद नहीं है। देख रहे हो वो अपने लवर को कितना प्यार करते हैं, और तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते। आई एम सो सॉरी ना जिमिना, अब से मैं तुम्हें भर भर के प्यार करूंगा। पर वन सेकेंड, अगर वो माफिया लाइन छोड़ रहे हैं तो तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी ना? अगर हमारे बच्चे हुए तो हम उन्हें पालेंगे कैसे? नहीं जिमिना, डोंट वरी, वो सिर्फ माफिया लाइन छोड़ रहे हैं, उनका मल्टीपल बिजनेस भी है, और वो सब कुछ मैं संभालने वाली हूँ, और मैं अभी उनका असिस्टेंट भी हूँ और सेक्रेटरी भी हूँ। ओह तब तो ठीक है, तुम ये सब छोड़ो, मुझे अभी मेरे कपकेक को खाना है। तुम्हारी कपकेक भी कब से वेट कर रही है, खा जाओ ना सुगा। तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है। मरने रहेगा,
कि मैं आज घर आऊंगा या नहीं, तो इसीलिए मैं अपने क्यूट सी वाइफ के लिए ये माफिया वर्ल्ड छोड़ना चाहता हूँ। मुझे भी रेस्ट चाहिए, मुझे भी कोई टेक केयर करने वाली चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। हाँ बनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और हमेशा तुम्हारी टेक केयर करूंगी एक बेबी की तरह। तुम मेरी बेबी हो। आई लव यू माई क्यूट बनी। बनी, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे? पर ते, इतने रात को कहाँ जाना है? 11 बज चुका है। प्लीज मेरे साथ चलो, प्लीज। ओके, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके चलो। देखो ये नदी, इसका किनारा कितना सुंदर है ना, और ये तारे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती थी तब मैं यहाँ आ जाती थी। हाँ सच में थे, ये सब तुम्हारी तरह बहुत ब्यूटीफुल है। सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुनो ना, सुन लो ना। 3, 2, 1 संग चुका हमिदा, संग चुका हमिदा, सायंगे जंगु की संग चुका हमिदा। Happiest birthday to my lover, my cutie pie, my little bunny, Jungkook, I love you. अब तो ना होता है एक रोज इंतजार, सोनी आज नहीं तो कल है, मुझको तो बस तेरी होड़ी रे। तेनू ले के मैं जावांगी। Oh my God, I love you too, babe. क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? हाँ मुझे ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दे। क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए मुझे बोल दो, मैं कल तुम्हें वो गिफ्ट कर दूंगी। बाय द वे, मुझे कुछ चाहिए तो है पर मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, घर चलो फिर बताता हूँ। अरे बनी बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए। वो तुम्हें पता तो है ना, डॉक्टर ने कहा था कि मेरा तबीयत खराब है और मेरा शुगर लो है। जंगकुक, मुझे पता है कि वो डॉक्टर नहीं थे, वो सुगा जी थे, मुझे पागल मत बनाओ। नहीं देते, सच में मेरा शुगर लो है और तुम तो बोलती हो ना मैं तुम्हारा बेबी हूँ। ओके तुम मेरे बेबी हो और तुम्हारा शुगर लेवल कम है, तो मैं क्या करूँ, तुम्हें कैंडी ला कर दूँ? नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ना तुम्हारा स्वीट स्वीट मिल्क पीना है। जंगकुक तुम ये क्या बोल रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो, ये सही नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई है। शादी का क्या, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी कुछ दिन के बाद तो हो ही जाएगा। प्लीज दे, मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दोगी? नहीं बनी, मैं तुम्हें दे देती पर मॉम डैड घर पे है और जेहोब जी तो हमारे साइड रूम पे है। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मिल्क पीना है, पीना है, पीना है। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? ओके बाबा ओके। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोले भाई। बनी रुको, तुमने जो कहा था मैंने वो कर दिया है, अब तुम ड्रेस क्यों उतार रहे हो? प्लीज स्वीट हार्ट मुझे मत रोको ना, प्लीज दे मुझे अपना गन तुम्हारे अंदर इन करना है। नहीं बनी, मुझे डर लग रहा है, मैंने ये कभी नहीं किया। तो क्या मैं बचपन से करता आ रहा हूँ? नहीं पर ये बहुत दर्द करता है। डोंट वरी दे, मैं स्लोली करूंगा, प्लीज दे, मुझे और कंट्रोल नहीं होगा, प्लीज दे। फिर देखो अपनी दुनिया में खो जाते हैं। रंग रेजा रंग मेरा तन मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे तन चाहे मन,
सजरा सवेरा मेरे तन भर से कचरा अंधेरा तेरी जलती लो कतरा मिला जो तेरे दरबर से ओ मौला मौला तुम्हारे अंदर जाके कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है प्लीज संभाल लो ना ते ये तुम्हारा बुलेट नहीं बुलेट ट्रेन है तुम्हारा बुलेट इतना स्पीड क्यों है बनी दर्द हो रहा है बनी जंगकुक जंगकुक हनी प्लीज स्लो करो ये साउंड क्यों कर रहे हैं आज ये दोनों मुझे सोने नहीं देंगे और ये भाभी कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है भैया भाभी पर थोड़ा रहम तो खाओ बेड टूट जाएगा जंगकुक थोड़ा जेंटली करो ना बहुत दर्द कर रहा है मुझे जंगकुक जंगकुक स्लोली करो जेंटली करो ना स्वीट हार्ट प्लीज प्लीज संभालो कर रहा हूँ मैं जेंटली रुको ये बहुत दर्द कर रहा है और नहीं होगा मुझसे प्लीज जंगकुक छोड़ो मुझे मैं थक गई हूँ यार क्या थे तुम अभी से थक गई हो हमें तो और भी 6-7 राउंड करना है ना नहीं नहीं पूरी रात करना है ना क्या पूरी रात मुझसे नहीं होगा मैं मर जाऊंगी जंगकुक मैं मर जाऊंगी यार छोड़ो मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है प्लीज छोड़ो जंगकुक हाँ ते तुम्हें ये दर्द तो कर रहा है पर ये तो तुम्हें प्लेजर भी तो दे रहा है ना हाँ ये प्लेजर तो दे रहा है ओहो ये दोनों कितना शोर कर रहे हैं यार रुक जाओ तुम दोनों कल रात के कांड की वजह से तेज सुबह सुबह अच्छे से चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और जेहूब अपना डार्क सर्कल वाला आंख लेके आता है नीचे अरे ते बेटा तुम्हें क्या हो गया है तुम ऐसे क्यों चल रही हो अरे जेहूब तुम्हारी आँखों के नीचे इतना ज्यादा डार्क सर्कल क्यों है वो मम्मी जी मैं बाथरूम में फिसल गई थी और मैं सुन रहा था रात भर वो दोनों कैसे बाथरूम में फिसल रहे थे क्या तुम रात भर बाथरूम में फिसल रहे थे क्या मतलब है जीनू बेबी तुम खाना दो ना जल्दी मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए अरे हाँ आप लीजिए ये खाना अरे ते बेटा क्या हम डॉक्टर के पास चले नहीं नहीं मम्मी जी मैं मेडिसिन घर पे लगा दूंगी हाँ भैया है ना डॉक्टर उनको मेडिकल जाने की जरूरत नहीं है अरे तुम्हारा भाई कब डॉक्टर बन गया जे होप चुप करो अब डोंट वरी मॉम मैं टेक केयर कर लूंगा वो ठीक हो जाएगी ओके चलो जीनू बेबी आज तुम मेरे साथ ऑफिस चलो हम आज थोड़ा मस्ती करेंगे वहाँ पर ओके चलो मेरे साथ पर ये दोनों क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे जीनू बेबी तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है अब चलो मेरे साथ ओके बाय स्वीट हार्ट अरे छोड़िए ना जीओप जी है यहाँ पर भैया आप एक काम करो खा लो ना भाभी को जीओप बंद कर अपना मुंह और तुम दे अपना ख्याल रखना ओके अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर देना ओके मैं जल्दी आ जाऊंगा और लव यू लव यू टू ओके बाय भाभी बाय बाय जी हब जी ये तुम्हारा बॉस है ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है भाई साहब ये तो मुझे के ड्रामा वाइब दे रही है हाँ सच में जिमीना चलो छोड़ो अच्छा ही हुआ हमें पता है ते मैम बहुत अच्छी लड़की है सर अब हैप्पी रहेंगे हाँ शुगा तुम्हारे बॉस तो बहुत अच्छे हैं वो ते से कितना प्यार करते हैं उन्होंने ते के लिए माफिया वार्ड छोड़ दिया वाओ मेरी ते को तो बहुत अच्छा लड़का मिल गया
जिमिना, क्या तू अकेली आई है? जीजू कहाँ पर है? सुगा, तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है? ये रहे। तो सुगा जी तेरे हस्बैंड है? तुम तेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? और सुगा की वाइफ भी? वाओ, क्या कोइंसिडेंस है। हाँ ते, तुझे पता है मैं इनके बॉस को कितना गाली देती थी। मैंने तो ये भी बोल दिया था कि उसकी बीवी भाग जाए, और अब पता चल रहा है कि उस खड़ूस इंसान से तू शादी कर रही है। माय गॉड, ये क्या सियाप्पा चल रहा है ना भाई साहब। मैं तो शॉक हो गई जब मैंने देखा कि तेरे साथ इसके बॉस। भाई साहब, मैं तो अलग ही वर्ल्ड में चली गई। क्या सच में? सॉरी सर, वो जिमिना को बात करना नहीं आता है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जिमिना चुप करो ना। इट्स ओके सुगा, अब तो जिमिना मेरी साली बन चुकी है और वो मेरी सिस्टर भी है, वो मुझे कुछ भी कह सकती है। और बाय द वे, जिमिना मेरी साली, वो आपने जो साहब दिया था ना मुझे कि मेरी बेबी भाग जाए, वो पहले ही भाग चुकी है और ये मेरी सेकंड बेबी है और मेरी लवर भी है। हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी, वो चुड़ैल भाग गई है। थैंक गॉड। और तुम लोग बैठ कर क्या गप्पे लड़ा रहे हो? चलो जल्दी से फ्लावर थ्रो करोगी ना ते तुम? चलो जल्दी से। हाँ बेटा, जल्दी से चलो वहाँ पर फ्लावर थ्रो करना। और गॉड ब्लेस यू, तुम्हारी मैरिड लाइफ अच्छी रहे। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू पापा जी। सोना कितना सोना आज तू लगदा वे, बस मेरे साथ ये जोड़ी तेरी सजदी वे। रूप ऐसा सुहाना तेरा, चांद भी है दीवाना तेरा। लश्कारा लश्कारा तेरी बिंदिया का लश्कारा, ऐसे चमके जैसे कोई। फिर ते और जंगकुक फ्लावर थ्रो करते हैं और उस फ्लावर बुके को जेहो और आयु पकड़ते हैं। रोज इंतजार सोनी, आज नहीं तो कल है, मुझको तो बस तेरी होनी रे। तेनू ले के मैं जावांगी, दिल दे के मैं जावांगी। और ऐसे ही सारे कपल्स हंसी खुशी रहते हैं और एक मंच के बाद युंगमिन का भी एक छोटा सा बेबी हो जाता है और जेहोप और आयु रिलेशनशिप में होते हैं और तेकुक जब भी फ्री होते हैं वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अरे ये जेनी और लिसा का कार एक्सीडेंट, ये कैसे हो गया? ते बेबी तुम क्या कर रही हो? जंगकुक तुमने ये सब किया है ना? क्या किया है मैंने? मैंने तो कुछ नहीं किया। जंगकुक झूठ मत बोलो, तुमने ही लिसा और जेनी को मारा है ना? क्या, लिसा और जेनी? नहीं तो मैंने नहीं मारा। मैं तो तुम्हारा छोटा सा बेबी हूँ ना, मैं किसी को थोड़ी ना मार सकता हूँ। और तुमने ही तो बोला था कि उनको हाथ मत लगाना, तो मैं कैसे मार सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया है। वो लोग तो बहुत ज्यादा दारू पी लिए थे इसीलिए उनका कार एक्सीडेंट हो गया। वो लोग ज्यादा दारू पी लिए थे और तुम्हें ये कैसे पता है? वो तो मैंने न्यूज पे देखा था कि वो लोग ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे और पहाड़ी से गिर गए। क्या ये सच में ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे थे? हाँ स्वीटहार्ट, उनकी बातों को छोड़ो ना, मैं तो तुम्हारा छोटा सा बेबी हूँ ना, थोड़ी ना मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। और मैंने तो कब से ये सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। कैसा लगा?